हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज हम फिर से एक और ग्रामर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और आई होप इससे पहले जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हैं वो आप देख चुके होंगे, और जिसने नहीं देखा है वो इस चैनल पर जाकर देख सकता है। मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं, ग्रामर के हैं जिसमें लिटरेचर के अलग से प्रैक्टिस सेट्स हैं, और इसके साथ ही साथ हमारी हिस्ट्री स्पेशल सीरीज़ भी चल रही है, जिसने नहीं देखी है वो भी देख सकता है। क्योंकि अभी क्या है, हमें सिर्फ इंग्लिश पर डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे भी हैं जिसमें साथ में जीएस का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो हमें साथ ही साथ उसकी प्रिपरेशन करते हुए भी चलना है। ठीक है, जैसे एलटी ग्रेड हुआ उसमें भी आपको जीएस का पोर्शन मिलेगा, जैसे अब केवीएस या डीएसएसवी के एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें भी हमें जीएस का पोर्शन मिलता है। प्लस अब डीएसएसवी का जनरल पेपर जो है उसकी भी हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, तो बताइए क्या आएगा। ऑप्शंस हैं आपके पास, हैज़, हैव, डू हैव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, नन ऑफ द अबव को तो आप कट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में नन ऑफ द अबव को जो ऑप्शन होता है वो राइट होता है। ठीक है, अब हमारे पास बचते हैं तीन ऑप्शंस। तो देखिए, ये क्वेश्चन जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, और इसमें क्या होता है करना होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को पहचानना होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट देखें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो क्या है इसका सब्जेक्ट? यहाँ पे देखो, फ्रेंड्स को हम सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वन। ओके, तो वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो हैज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर टू, £10 डैश मनी, तो ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो बताइए क्या आना चाहिए। ऑप्शन है, आर अ लॉट ऑफ, इज द लॉट ऑफ, इज अ लॉट ऑफ, नन ऑफ द अबव को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो बताइए इसमें क्या आना चाहिए। £10, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो बताइए £10 को आप सिंगुलर कंसिडर करेंगे या प्लूरल। यस, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, तो प्लूरल वर्ब वाला ऑप्शन कट कर देंगे। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शंस, एक है इज द लॉट ऑफ या फिर इज अ लॉट ऑफ, क्या होगा राइट? यस, इसका करेक्ट आंसर है इज अ लॉट ऑफ। सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, £10 इज अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई है, ठीक है, इन कंसिडर करें, फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल प्रपोजिशन और वर्ब। देखिए यहाँ पर बेसिकली फ्रेजल वर्ब दी गई है, कौन कौन सी हैं, गॉट ऑफ, गॉट ऑन, गॉट इन, नन ऑफ दी अबव को आप कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास तीन ऑप्शन हैं। अब आपको इनमें से करेक्ट को यहाँ पर फिल करना है। हमारा सेंटेंस है, ही डैश दी बस व्हेन इट केम, तो क्या आना चाहिए, ही गॉट ऑफ दी बस, ही गॉट ऑन दी बस, ही गॉट इन दी बस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, गॉट ऑफ गलत है और गॉट इन भी रॉन्ग है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग दिस इज द राइट आंसर, गॉट ऑन, ही गॉट ऑन द बस व्हेन इट केम। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ऑस्पिशियस, बताइए ऑस्पिशियस का एंटोनियम क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, ऑरेकुलर, ऑप्टिकल, ऑमनियस, ऑस्टर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए बेसिकली ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, गुड फीलिंग या गुड ओमेन भी बोल सकते हैं, गुड फीलिंग या गुड इमोशंस इस तरीके से। और अब इसका जब हम अपोजिट ढूंढेंगे तो हमें बैड फीलिंग वाली सेंस देने वाला वो चाहिए वर्ड, तो क्या होगा? यस, इसका एंटोनिम है ओमनियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मीन्स बैड ओमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ एपथेटिक, बताइए नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से एपथेटिक का सिनोनिम क्या है। ऑप्शंस हैं, हॉस्टाइल,
callous, repulsive, ominous. सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर. यस द करेक्ट आंसर इज हॉस्टाइल. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन पैसिवॉइस. देखिए, यहाँ पर हमें ये पहचानना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन पैसिवॉइस की फॉर्मेशन में नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, जैसा कि पैसिवॉइस की पहचान करना मैं आपको बता चुकी हूँ. पैसिवॉइस की सबसे अच्छी पहचान क्या है? यस, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज प्लस बी की फॉर्म के साथ. ठीक है, बी की फॉर्म में इज आर एम, वाज वर, हैज हैव, डू डस, डिड, ये सभी आ सकती हैं. तो बेसिकली बी की फॉर्म इज आर एम, वाज वर तक ही हम कंसिडर भी कर लें तब भी ठीक हो जाएगा हमारा, या फिर बी बीइंग बीन आ जाए. ठीक है, इनसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये पैसिव है या नहीं. इनके साथ में क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और जिसमें ये नहीं होगा वो हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं होगा. तो फर्स्ट सेंटेंस देखें, द न्यूनेंस ऑफ द वर्ड वाज नॉट इंटेंडेड बाय द स्पीकर इन हिज स्पीच. तो देखिए, वाज और उसके साथ में इंटेंडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई एम श्योर यू विल बी अवार्डेड, तो बी की फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड, तो ये भी क्या है? पैसिव वॉइस. नेक्स्ट देखें, माई अंकल सीक्स. देखिए, यहीं से हम पता कर लेंगे सीक्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कभी पैसिव वॉइस में नहीं होता. ठीक है, तो दिस इज द इन द दिस सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस. वी आर श्योर टू बी पनिश्ड बाय द बॉस, दिस इज इन पैसिव वॉइस. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. अब इसमें से ये बताना, देखो लास्ट वाले सेंटेंस में क्वेश्चन में क्या था कि हमें ये बताना था कि कौन सा पैसिव वॉइस में नहीं है, लेकिन इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यानी बाकी तीन जो होंगे वो एक्टिव वॉइस में होंगे. अब हमें पैसिव वॉइस की सबसे ग्रेटेस्ट पहचान को याद में रखना है, वर्ब थर्ड. ओके, ऑप्शन है आई वॉन्ट टू परचेज, तो वर्ब फर्स्ट आ रही है, तो क्या हो गया, ये तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. नेक्स्ट देखें, शी नो स्विमिंग, तो फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस. नेक्स्ट, यू कांट कंप्लीट, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस. अब लास्ट, जैसा कि आपने एलिमिनेशन मेथड से तीनों अलग कर दिए हैं, ऑब्वियसली बात है ऑप्शन फोर ही राइट होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं. शी वॉज अवॉर्डेड, तो वर्ब थर्ड पैसिव वॉइस. ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर, शी वॉज अवॉर्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1999. नेक्स्ट क्वेश्चन एट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स अ क्योर ऑफ ऑल इल्स. बताइए, सारी इल्स का क्योर क्या होता है, या इल्स की जगह आ सकता है इलनेस या डिजीज. अ क्योर ऑफ ऑल डिजीज, अ क्योर ऑफ इलनेस, ये सभी एक ही है. अब इनका वन वर्ड बताना है. ऑप्शन है एपिडेमिक, डायडेक्टिक, पेनेंसिया, डिक्शन. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है पेनेंसिया. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड. आपको इनमें से बताना है कि कौन से किस वर्ड की स्पेल गलत लिखी हुई है. सोचिए और आंसर कीजिए. देखिए, करियर, करियर की स्पेल से करेक्ट है ना. क्रिएटर, क्रिएटर की भी स्पेल करेक्ट है. अब आपके पास हैं दो ऑप्शन, इनमें से बताइए दोनों करेक्ट हैं या कोई इनकरेक्ट भी है. एक है सेंटर की स्पेल और दूसरी है कैरियर की स्पेल. तो देखिए, कैरियर की स्पेल भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये रॉन्ग है. सेंटर की स्पेल ये नहीं होती. सेंटर की स्पेल क्या होती है? सी ई एन टी आर ई. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट. बताइए, ऑन द अलर्ट का मीनिंग क्या है? ऑप्शन है रेडी टू एक्ट, डिपेंड ऑन पुलिस, डिपेंड ऑन अदर, नन ऑफ द अबव. तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए, तीन ऑप्शंस में से आपको बताना है. ऑन द अलर्ट मीन, यस,
इसका करेक्ट मीन है रेडी टू एक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टिमोरस? बताइए टिमोरस का सिनोनिम क्या होगा. ऑप्शन है अप टू डेट, ब्राइट, टिमिड, नन ऑफ द अबव. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए इसे आप कट कर सकते हैं, तीन ऑप्शंस में से बताइए. अप टू डेट, ब्राइट, टिमिड. यस, टिमोरस का करेक्ट सिनोनिम होता है टिमिड. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12. टेक द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एलिजेंट. बताइए एलिजेंट का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा. ऑप्शन है जेंटल, फेमस, ग्रेसफुल, नन ऑफ द अबव. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, एलिजेंट का मतलब क्या होता है? यस, इसका सिनोनिम है ग्रेसफुल. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13. अरेंज द सेंटेंस इन गिव अप सॉरी सेंटेंसेस टू गिव अप द प्रॉपर सीक्वेंस. देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस को प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, तो सबसे पहले हम वो सेंटेंस देखेंगे जिसमें हमारा मेन सब्जेक्ट है. ऑप्शन पी है द मेन कैरेक्टर, क्यू है अ ब्लैंक क्लर्क, एंड आर है हु हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम लॉन्ग वेयर्स एंड हैड टू ग्रीट एन इम्पोर्टेंट कस्टमर्स. तो किस तरीके से अरेंज होगा ये? देखिए अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे दो बार तो आर का ऑप्शन है, दो बार पी का. अगर हम पी से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस में द मेन कैरेक्टर, और अगर हम आर से स्टार्ट करें हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम लॉन्ग वियर्स, तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए अगर हम आर से बना के देखें हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम लॉन्ग वियर्स, आई थिंक कोई भी सेंटेंस हमारा हु से शुरू नहीं होता. तो हम यहां से अगर हम पी से स्टार्ट करें द मेन कैरेक्टर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम लॉन्ग वोयाज, नेक्स्ट इज हैड टू ग्रीट एन इम्पोर्टेंट कस्टमर, अ ब्लैंक क्लर्क, ब्लैंक नहीं होकर यहाँ पर बैंक क्लर्क कर लीजिए, ये टाइपिंग एरर है आई थिंक, तो ये होगा बैंक क्लर्क. ठीक है, और हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. किस तरीके से? देखिए सबसे पहले हम ये लेंगे ऑप्शन पी को. ठीक है, द मेन कैरेक्टर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम लॉन्ग वोयाज, ओके, देन एस को लिया हैड टू ग्रीट एन इम्पोर्टेंट कस्टमर अ बैंक क्लर्क, या फिर ऐसे भी बन सकता है अ बैंक क्लर्क हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम लॉन्ग वेयर्स, लेकिन इससे कोई ऑप्शन नहीं है क्यू से, इसलिए हमें ऑप्शन बी ही राइट करना पड़ेगा. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 14. इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट. आगे आपको सीक्वेंस लगाना है. द कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज बिकॉज सच नार्कोटिक हैबिट्स हैव बीन शुड बी शंड द कॉज ऑफ रन इन मैनी फैमिलीज. तो किस तरीके से इसकी सीक्वेंस बनने वाली है अगर हम देखें तो पहला मतलब हमारे पैराग्राफ की स्टार्टिंग दे दी गई है इन्होंने, इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट. ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ बिगिनिंग या तो पी से होगी या आर से होगी. तो अगर हम आर से चेक करें दैट के बाद दैट शुड बी शंड, आई थिंक आर से ही स्टार्ट होना चाहिए. इसके बाद शुड बी शंड के बाद द कॉज ऑफ रन इन मैनी फैमिलीज, द कंजम्पशन ऑफ द एल्कोहलिक बेवरेज, और बिकॉज सच नार्कोटिक हैबिट हैव बीन. आई थिंक इसका शुड बी शंड, ठीक है आर तो करेक्ट है,
अगर आर के बाद हम क्यू को ऐड करें, बिकॉज सच नार्कोटिक हैबिट हैव बीन, नहीं नहीं ये भी नहीं हो सकता। आई थिंक यहाँ पे आर के बाद ऐसे ही आना चाहिए, द कॉज ऑफ रन इन मैनी फैमिलीज, और उसके बाद द कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल बेवरेज बिकॉज सच नार्कोटिक हैबिट्स हैव बीन। आई थिंक इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसके ऑप्शंस करेक्ट नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द ऑप्शन व्हिच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। देखिए बेसिकली जो वर्ड यहाँ कैपिटल लेटर में दिया है ना, इसका हमें अपोजिट बताना है। वर्ड है जेटिसन, अब जेटिसन का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास सेल्वेज, मफल, डिक्लेरेट या फिर डिस्ट्रैक्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, जेटिशन का अपोजिट क्या है? मफल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इज कार्ट ब्लांच, कार्ट ब्लांच का मीनिंग बताना है आपको। ऑप्शन है कैपिटलिस्ट, इंपॉर्टेंस, इन्वेस्टमेंट, रेस्ट्रिक्शन। कार्ट ब्लांच मीन्स क्या होता है? यस, व्हाट डज इट मीन? यस, कार्ड ब्लांक मीन्स होता है कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 इज फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। देखिए यहाँ पर करेक्ट डिटर्मिनर को फिल करना है। सेंटेंस हमारा आई हैव नॉट गॉट डैश मनी इन माई बैंक अकाउंट। ऑप्शन है एनी, ए, ऑफ यू या फ्यू। क्या आना चाहिए? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए जब भी नेगेटिव सेंस की फॉर्मेशन हो तो उसमें क्या लगाते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम डिटर्मिनर? उसमें यूज़ करेंगे हम एनी, ठीक है, और अगर पॉजिटिव सेंस दे रखी होती तब हम सम का यूज़ करते, तो आएगा आई हैव नॉट गॉट एनी मनी इन माई बैंक अकाउंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ नाउन। बताइए इनमें से कौन सा वर्ड आपको नाउन लग रहा है? ऑप्शन है आपके पास इंटरेस्टिंग, डेवलप, टीचर, ब्रेव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली देखिए हमें नाउन को पहचानना है इसमें, ओके, तो ऑप्शन आपके पास इंटरेस्टिंग, डेवलप, टीचर, ब्रेव। जैसा कि आपको देखते ही पता लग रहा है क्या होना चाहिए। देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है, ब्रेव क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, डेवलप क्या है, एक वर्ब है, बचा क्या, टीचर, ठीक है, टीचर इज अ कॉमन नाउन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सप्लाई अ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रिमेंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए रिमेंबर को एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज करना है। सेंटेंस हमारा आई डैश योर नेम, तो क्या आएगा, आई एम रिमेंबरिंग योर नेम, I remember your name, I was remembering your name, या I have remembered your name।
इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, करेक्ट आंसर है आई हैव रिमेंबर योर नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। शी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन शी डैश हिम। ऑप्शन है मैट, हैव मैट, वाज मीटिंग, मीट। क्या आना चाहिए? देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वाज लगा हुआ है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो हमारा दूसरा सेंटेंस भी जो बनेगा वो पास्ट में ही बनेगा। ठीक है, तो हम प्रेजेंट वाली चीज़ों को तो हटा देंगे। अब दो बार हम पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए वाज मीटिंग भी हट जाएगा। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, मैट या हैव मैट। शी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन शी मैट हिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ठीक है फिर, आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको डेली मिलेंगी, और जो आपको देखनी है और अपने मतलब प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।